हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग अनबॉक्सिंग करने वाले हैं एंट ई स्पोर्ट्स। और ये एक गेमिंग हेडफोन है, आप मेरे घरे में देख सकते हो। बड़ा ही कूल लग रहा है, बड़ा ही मस्त लग रहा है ना फ्रेंड्स। तो आज इस पे आज हम लोग पूरा अनबॉक्सिंग करेंगे और इसका ड्रॉप टेस्ट भी करेंगे। जैसे कि आप लोग को पता है कि ये गेमिंग हेडफोन है, तो कभी कभी गुस्से में हम लोग इसको पटक देते हैं। सो इसीलिए इस पे ड्रॉप टेस्ट होगा, ताकि देख सके कि अगर हम लोग गुस्से में इसको पटक दे तो ये सहन कर पाएगा कि नहीं। और साथ ही में इसमें वाटर टेस्ट भी किया जाएगा। हाँ फ्रेंड, जैसे कि आपने पिछले वीडियो में देखा था कि 450 को मैंने आधा डुबोया था, लेकिन इसको मैं पूरा डुबोऊंगा अंदर तक, और देखते हैं इसमें पानी जाता है कि नहीं और ये वाटर टेस्ट सरवाइव कर पाता है कि नहीं। और कोई और साउंड टेस्ट भी मैं बताऊंगा कि कैसा है इसका साउंड टेस्ट, और गेमिंग खेल के भी बताऊंगा कि पीसी में मोबाइल में आप इसमें गेमिंग कर सकते हो और कैसा है इसका परफॉर्मेंस। सो फ्रेंड्स, अगर आपको एंट्स ई स्पोर्ट्स H530 का हेडफोन परचेज करना हो तो इसका मैं अमेजोन लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन से परचेज कर सकते हो। और आप देख सकते हो इसका बॉक्स काफी ज्यादा बड़ा है, इसका बॉक्स आप देख सकते हो। और इसके नीचे इसकी कुछ आपको स्पेसिफिकेशन देखने को मिल रहा है, जैसे मल्टी कलर यहाँ पे स्पेसिफाई कर रखा है। इसमें आपको मल्टी कलर RGB देखने को मिल रहा है और डीप बेस इन्होंने कहा है, यहाँ पर आपको डीप बेस का फीचर देखने को मिलेगा। सॉफ्ट कुशन है इसमें, 40mm का डाइवर आपको इसमें देखने को मिल जाएगा और HD ऑडियो का भी फीचर्स आपको इसमें देखने को मिल रहा है और इजी वॉल्यूम एडजस्टमेंट का भी फीचर्स आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। अगर आप इसके साइड में देखोगे तो फिर साइड में भी आपको इसका थोड़ा स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, जैसे इसके स्पीकर्स का साइज, इसके माइक्रोफोन का साइज, केबल लेंथ और LED वर्किंग बोर्ड 5 वोल्ट के करंट से इसका LED वर्क करता है और इसका करंट कंजप्शन है 100 mA। और अगर आप इसके पीछे साइड देखोगे तो यहाँ पे इनका कस्टमर एग्जीक्यूटिव के थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे रखा है, इनका वेबसाइट की इन्फॉर्मेशन दे रखा है, एड्रेस दे रखा है, मॉडल नंबर दे रखा है और कुछ प्रोडक्ट इन्फो यहाँ पे दे रखा है। और इसका प्रिंटेड प्राइस है अप्रोक्स 3000 रुपीज, तो लेकिन मुझे ये प्रोडक्ट मिला 1500 का इन अमेजोन। और अगर इसके आप दूसरे साइड देखोगे तो फिर यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है ये कॉम्पेटेबल विद एक्सबॉक्स, PS4, मैक, विंडोज, एंड्रॉइड सब में ये सपोर्ट करता है, क्योंकि इसमें आपको नॉर्मली 3.5 जैक देखने को मिल रहा है मोबाइल के लिए और एक स्प्लिटर भी देखने को मिल रहा है, जिसके हेल्प से आप इसे पीसी में भी कनेक्ट कर सकते हो। और साथ ही में थोड़ा सा पेपर वर्क आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और अभी देखिए इसका हेडफोन कैसा है, बड़ा ही मस्त लग रहा है ये हेडफोन देखने में, बहुत ज्यादा सुपर्ब सा है। आप देख ही सकते हो इसके कप्स ने तो मुझे एकदम दीवाना बना दिया, इतने बड़े इसके कप्स है ना, जबरदस्त है और काफी ज्यादा स्ट्रांग है। यहाँ पे आप साइड में देख रहे हो इसके स्टील दे रखा है, बाकी दूसरे हेडफोन में प्लास्टिक होता है जब आप उसको हाइट एडजस्ट करते हो तो। और ये तो एक कंट्रोलर है, इसके हेल्प से आप वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हो और एक माइक म्यूट का भी ऑप्शन आपको इसी में देखने को मिल रहा है, जो कि काफी बड़ा साइज है, साइज में काफी बड़ा है ये। आप और इसका वायर का क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा सही लगा मुझे। और आपको यहाँ पे 2 3.5 जैक देखने को मिल रहा है और 1 USB देखने को मिल रहा है। USB जो है इसके LED को कंट्रोल करने के लिए दे रखा है, और एक है माइक का और दूसरा है इसके स्पीकर्स का। और इसका वायर भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, आप देख सकते हो मैं खींच के दिखा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग लगा मुझे इसका वायर, क्योंकि इसके ऊपर आपको एक कोटिंग देखने को मिल रहा है। और अभी इसके LED को ऑन करके देखते हैं कि कैसा लग रहा है ये देखने में। आप अभी देख सकते हो इसका LED ऑन हो चुका है, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही लग रहा है देखने में। और ये एक RGB LED है, लेकिन मुझे एक चीज़ इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज लगा कि इसके LED को आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, कस्टमाइज का कोई ऑप्शन नहीं दे रखा। जो है, जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो ये ऐसे ही चलता रहेगा, USB को निकाल दोगे तो ये ऑफ हो जाएगा बस। और इसके जो कुशन्स है वो भी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट कुशनिंग आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल आपको प्रोवाइड करेगा गेमिंग के टाइम। और आप देख सकते हो इसका जो माइक का जो फ्लेक्सिबिलिटी है, ये भी बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। इसका वायर आप ऊपर नीचे अगर ये थोड़ा बहुत मुड़ मड़ जाए तो फिर टूटने फूटने का कोई चांसेस नहीं। इसके ऊपर भी आपको रबड़ का एक कोटिंग देखने को मिल रहा है, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग प्रोवाइड करता है ये। और साथ ही में इसके माइक को आप ऊपर नीचे कर सकते हो, लेकिन इसमें माइक को ऊपर करके म्यूट करने का कोई फीचर्स यहाँ पे प्रोवाइड नहीं कर रखा। और एक बात, आपको यहाँ पर नॉइस कैंसलेशन का फीचर्स देखने को मिल रहा है, लेकिन इन्होंने कहीं पर भी स्पेसिफाई नहीं किया कि इसमें आपको नॉइस कैंसलेशन देखने को मिल रहा है, लेकिन मैं आपको टेस्ट करके जरूर बताऊंगा कि कैसा है इसका नॉइस कैंसलेशन। और आप देख सकते हो रात में कैसा लगता है देखने में। इसका LED का जो ब्राइटनेस है वो सही में बहुत ज़्यादा है, इसका ब्राइटनेस लास्ट
रात में एकदम उभर के दिखेगा। इसका एलईडी बहुत ज्यादा ब्राइट है, इसका एलईडी। सो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि मैंने इसमें गेमिंग किया है, पीसी में और फोन में, दोनों में गेमिंग किया, एकदम कमाल का है। और जो फुटस्टेप है, फुटस्टेप एकदम सही सुनाई दे रहा है, दुश्मन राइट से आ रहा है, लेफ्ट से आ रहा है, एकदम सही एग्जैक्ट पता चल रहा है। गेमिंग हेडफोन के लिए काफी ज्यादा सुपर है। और इसकी जो एयर कप्स है ये काफी ज्यादा बड़े हैं, आप देख सकते हो, पूरे कान इसके अंदर घुस जाता है। मतलब दूसरों में क्या रहता है ना, दूसरे हेडफोन में क्या रहता है, कान ऐसे पिचक जाते हैं, ऐसे कान के ऊपर दबा रहता है, कान ऐसा ना पिचका हुआ रहता है, जिस ऐसा ना कान ऐसा रहता है ना, ऐसा कान ऐसा पिचका हुआ रहता है, जिस वजह से ना कानों में दर्द हो जाता है। यहाँ पे पक्का ऐसा पिचकावा रहेगा तो दर्द तो होगा ही ना, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, पूरे कान इसके कप्स के अंदर आ जाते हैं, इतना बड़ा है इसका कप्स। हाँ, मतलब कान एकदम ऐसा खुला हुआ रहता है, यही बस यही पता है, मस्त लग रहा है मेरे को इस हेडफोन में, तो मुझे बहुत ज्यादा सही लगा ये हेडफोन गेमिंग के लिए। आप पूरा दिन इसमें बैठ के गेमिंग कर सकते हो, क्योंकि कानों को सांस देने का जगह मिल जाता है और कान ऐसे पूरी खुला रहता है, तो इसलिए मुझे सबसे ज्यादा मस्त लगा ये हेडफोन। और गेमिंग के लिए ही नहीं, सॉन्ग के लिए भी काफी ज्यादा सही है, बेस वोकल्स और ट्रिबल का एक कमाल का बैलेंस ये आपको प्रोवाइड करेगा। लेकिन ये एक गेमिंग हेडफोन है, इसलिए आपको इसमें बूम बेस नहीं मिलेगा, लेकिन कमाल का ऑडियो ये आपको प्रोवाइड करेगा। मूवीज में, सीरीज देखने के लिए वन ऑफ द बेस्ट हेडफोन में से एक है, लेकिन बूम बेस इसमें आपको नहीं मिलेगा, लेकिन गेमिंग के लिए तो क्या ही बताऊं मैं, जबरदस्त गेमिंग है और पूरा दिन पहनने के लिए सुपर है ये, सुपर। मतलब कोई भी ब्लूटूथ हेडफोन इसका कंपैरिजन नहीं कर सकता कंफर्ट में देखा जाए तो चलिए करते हैं अभी इसका वाटर टेस्ट और ड्रॉप टेस्ट। सो फ्रेंड, ड्रॉप टेस्ट से पहले मैं आपको बता दूं कि इसका माइक कैसा है, तो मैं इसमें अभी बात कर रहा हूं, आप देख सकते हो बैकग्राउंड का नॉइस खींच रहा है कि नहीं खींच रहा। हालांकि मैंने बैकग्राउंड में अभी फ़ैन चला रखा है कि दिखाने के लिए आपको कि बैकग्राउंड नॉइस कैसा है इसका, आप सुन सकते हो इसका वॉइस कैसा है, इसका वॉइस क्वालिटी कैसा है। हालांकि मैंने इसको यूज़ किया तो मेरे फ्रेंड्स लोगों ने बताया कि जैसा मेरा वॉइस है एकदम वैसा ही आ रहा है। हालांकि और मैं इस वॉइस में कुछ भी एडिटिंग नहीं कर रहा हूं, तो जैसा वॉइस है आपको वैसा ही वॉइस सुनाई देगा। और मैंने अपने पीसी में अभी तक आरटीएक्स को भी ऑन नहीं किया है, अभी आरटीएक्स ऑन करके देखते हैं कि आरटीएक्स में कैसा सपोर्ट कर रहा है ये। हाँ सो फ्रेंड्स, आप सुन सकते हो अभी मैंने आरटीएक्स को ऑन कर दिया है और आरटीएक्स में अभी सुन सकते हो कि कैसा है इसका वॉइस और बैकग्राउंड नॉइस खींच रहा है कि नहीं खींच रहा है, क्योंकि बैकग्राउंड में मेरे फैन चल रहा है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो ये है बाउल और अभी हम लोग इस पे करेंगे वाटर टेस्ट। ये रहा हमारा हेडफोन, देखते हैं सरवाइव कर पाता है कि नहीं। इसको माइक पर ऊपर कर देते हैं, ठीक है, इसको डुबोएंगे। पानी कम हो गया, फ्लोट कर रहा है, थोड़ा और पानी डालेंगे। पूरा भर चुका है, इतना काफी होगा। आप देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा बबल्स निकला और कहीं से कोई बबल्स नहीं निकल रहा है। इसके कप्स को मैं पूरी तरह से डुबो चुका हूँ, आप देख सकते हो। हल्का हल्का बबल्स यहाँ से निकल रहा है। और अभी इस वाले हेडफोन में देख लेते हैं, इसके भी यहाँ से थोड़ा बबल्स निकल रहा है। अच्छा, इसके कुशंस के अंदर से बबल्स निकल रहा है। और अभी इसके हेडफोन के अंदर पानी गया है और अभी इसके माइक को देख लेते हैं। माइक पूरी तरह से सील पैक्ड है, माइक सेफ है। अभी इसको घुमा के देखते हैं, आप देख सकते हो बबल्स कहाँ कहाँ से निकल रहा है। यहाँ से पूरा बबल्स निकल चुका है और अभी इसका टेस्ट करते हैं कि वाटर टेस्ट सरवाइव किया है कि नहीं। बहुत ज़्यादा पानी खींचा ये, बहुत ज़्यादा पानी। अच्छे से निचोड़ना पड़ेगा पहले, आप देख सकते हो कितना सारा पानी।
और एक बार इसको भी टेस्ट कर लेते हैं, देखते हैं ये वाटरप्रूफ है कि नहीं। आप देख सकते हो ये पूरी तरह से वाटरप्रूफ है। तो मेरा पूरा टेबल पानी से भर गया। अभी देखते हैं चलता है कि नहीं। सो फ्रेंड्स, अभी देखते हैं कि हमारा ये चलता है कि नहीं। तो आप सुन सकते हो इसमें से कोई भी सॉन्ग नहीं आ रहा है, कोई भी गाना नहीं चल रहा है इसमें से। शायद ये वाटरप्रूफ नहीं है और ये खराब हो चुका है। तो यहाँ से भी पूरा इसका वॉल्यूम अप है, पूरा वॉल्यूम इसका अप हो रखा है यहाँ से। और ये हो चुका है खराब। अभी इसको मैं धूप में सुखा के देखूंगा कि ये चल रहा है कि नहीं। फिलहाल इस पे करते हैं अभी हम लोग ड्रॉप टेस्ट। सो फ्रेंड्स, ये एकदम सही था कॉलिंग के लिए भी। नॉइस कैंसलेशन को रिड्यूस करने में काफ़ी ज़्यादा हेडफोन था ये, लेकिन जैसे कि आप लोग को पता है कि वाटर टेस्ट में फेल हो चुका है। सो मैं इसे धूप में थोड़ी देर सुखाऊंगा और अभी कर देते हैं इसका ड्रॉप टेस्ट। देखते हैं ड्रॉप टेस्ट में ये कितना सर्वाइव कर पाता है। जब ये गिरा ना तो जान निकल गया इसका आवाज़ सुन के। वैसे आप देख सकते हो यहाँ से इसका थोड़ा सा खुल गया ये, लेकिन ये क्लिप है इसके अंदर, ऐसे दबाएंगे तो वापस लग जाएगा ये, आप देख सकते हो। और अभी हम लोग इसको यहीं पर ही रख देंगे थोड़ी देर तक, अप्रॉक्स 4-5 घंटे, उसके बाद देखेंगे कि ये फिर से काम करता है या नहीं। वैसे फिजिकली देखा जाए तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है ये। इसमें बिल्ड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा नाजुक है, लेकिन फिर भी काफ़ी स्ट्रांग है, बॉडी काफ़ी सही है इसका। तो चलिए अभी आते हैं 4-5 घंटे बाद। हेलो फ्रेंड्स, इसे मैं अप्रॉक्स 4 घंटे सुखा चुका हूँ। अभी अप्रॉक्स 4 बज रहे हैं और मैं इसे सुबह 9 बजे के करीब धूप में डाल के आया था। तो फिर कितना टाइम होता है, काफी टाइम होता है, और थोड़ा इतना काउंटिंग कौन करेगा। तो अभी देखते हैं इसका LED काम करता है कि नहीं। LED को पहले ऑन करते हैं। वाह, देख रहे हो फ्रेंड, चल रहा है। मतलब कि अगर ये पानी में गीला हो जाए तो आप अगर इसे सुखा लो तो ये दोबारा ऑन हो जाएगा। ये काफ़ी ज़्यादा सही लगा मुझे इसमें। और अब इसमें सॉन्ग प्ले करके देखते हैं। और ये है इसका केवल रेड वाला, ग्रीन वाला है सॉन्ग का, आप सुन सकते हो फ्रेंड्स। अरे मैं तो डर ही गया था कि शायद ये खराब हो जाएगा, क्योंकि इसका जो माइक है वो बहुत ही ज़्यादा कमाल का माइक है। मैंने आपको टेस्ट करके दिखाया था कि कैसा है इसका माइक, सुपर है। और आप देख सकते हो कि ड्रॉप डाउन में भी, और आप देख सकते हो ड्रॉप टेस्ट में भी कुछ हुआ नहीं इसे, एकदम सेफ है ये, कहीं से भी कुछ भी स्क्रैचेस नहीं हुए हैं इसमें। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, एंड फ्रेंड्स डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, और अगर शेयर करने लायक हो तो शेयर भी कर देना फ्रेंड्स। और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें प्रोटेक्ट बजट को। और अगर आपको और कोई टेस्ट चाहिए तो फिर आप मुझे बता सकते हो। और फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स बाय बोलने से पहले थोड़ा पोस्टमार्टम कर लेते हैं इसका। आप देख सकते हो कि ये क्यों खराब हुआ था। और ऐसे ही दोनों टाइप और ऐसे ही दोनों साइड के इसके जो कुशन्स है वो बाहर आ जाते हैं। और अब देखिए क्या है, पूरा नेकेड है इसका डाइवर, जिस वजह से ये खराब हो गया था, क्योंकि ये पूरा कटोरा ही है, पूरा खुला है यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से पूरा खुला है। और अगर ये कभी आपका खराब हो जाए तो फिर आप 1-2-3-4 स्क्रू को खोल के इसे रिपेयर कर सकते हो।
और पूरा हेडफोन को आप खोल सकते हो, टेयर डाउन कर सकते हो अपने घर पर ही। ये सबसे ज़्यादा सही लगा मुझे इसमें। सो थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।